अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आई हैव डन अ लॉट ऑफ क्रेजी स्टफ ऑन माई चैनल। आई रिव्यूड मोस्ट फेमस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑन माई चैनल एंड आई एम रियली ओवरवेम्ड बाई योर रिस्पॉन्स गाइज। सो टूडे आई एम गोना शेयर विद यू गाइज एंड अदर ब्यूटी प्रोडक्ट विच रिलेटेड टू आवर हेयर। सो येस आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर कलर। तो हेयर कलर की मुझे बहुत ज़रूरत थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा रफ़ है, बहुत ज़्यादा रफ़ है। मतलब इनमें शाइन नहीं है, हाइलाइट्स यू गाइस कैन सी ऑलरेडी है मेरे बालों में, लेकिन मेरे बालों में जान और ये बिल्कुल बेजान लग रहे हैं। तो इन्हें जानदार और इन्हें अट्रैक्टिव और प्यारा सा बनाने के लिए मुझे इन पर करना था हेयर कलर। सो मैंने हेयर कलर चूज़ किया है, तो आज आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त सा मैं हेयर कलर शेयर करने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ, हम चलते हैं अपनी वीडियो में। तो जिस हेयर कलर की बात कर रहा हूँ मैं वो है रेवलॉन कलर सिल्क, माय मोस्ट फेवरेट हेयर कलर और बजट फ्रेंडली, और इसकी प्राइस ट्रस्ट मी गाइस रियली ऑसम, और इसका टेक्सचर, इसका फार्मूला आल्सो अमेजिंग। इट्स अमोनिया फ्री, मतलब जो हमारे बालों को डैमेज करता है उस चीज़ से फ्री है। ये है इसकी सारी आउटर पैकेजिंग, सामने से कुछ वैसा था और बाहर से मतलब दूसरी साइड से कुछ ऐसा है, 3D कलर जेल जिसको बोलते हैं। और ट्रस्ट मी दिस इज़ ऑसम हेयर कलर वी हैव इन द मार्केट। तो ये साइड से कुछ यूँ है, डार्क लाइट वालों पे कुछ इस तरह से कलर आएगा। तो बाकी हम बात करते हैं इसके इनर पैकेजिंग की। अच्छा, तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें मिला है ये डेवलपर विच इज़ अमेजिंग, देन ये हेयर कलर, और देन उसके बाद ये जो कंडीशनर है ना, मैं विश करता हूँ कि काश ये मार्केट में मिलता, बट ट्रस्ट मी नहीं मिलता, बट आई लव दिस कंडीशनर। मार्केट में क्यों नहीं है, बट दिस इज़ अमेजिंग। उसके बाद ये जो पेपर है इसको जब ओपन करते हैं, इसके ऊपर पता नहीं कौन सी ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ था जो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इंग्लिश में मैंने ये पढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है पहले ये बहुत दफ़ा हेयर कलर। अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये कलर शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसको जब पेपर को मैंने ओपन किया तो उसके ऊपर ग्लव्स थे, ग्लव्स को मैंने उतार लिया, और दूसरा जो ग्लव था मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं, तो मैंने उसी तरह से उसको रख दिया वापस। पढ़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं समझ आई। तो उसके बाद ये है मेरे पास दोनों हेयर कलर, इन दोनों को मिक्स करके मैं अपने बालों में लगाने जा रहा हूँ। एज़ यू गाइस कैन सी ऑलरेडी हाइलाइट्स है मेरे बालों में, और मेरे बाल काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, लेकिन मुझे फिर भी कुछ डिफरेंट करना था, इनमें नरिशमेंट चाहिए थी, इसलिए मैं ये शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके, एक्चुअल सॉरी जो तरीका है वो ये है कि इन दोनों को मिक्स करते हैं आपस में, लेकिन ये इन दोनों की क्वांटिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जानी थी, इसलिए मैंने लिया एक बाउल घर में जो पड़ा हुआ था, और देन वो ज़्यादा था मेरे बालों के लिए, इसलिए मैंने यूज़ किया है मेरे अब्बू के बालों का वो कलर जो करने के लिए यूज़ करते हैं वो ब्रश। इसके बाद थोड़ी सी अमाउंट में अपने बालों के मुताबिक ज़ुबान रख रही है मेरी। तो उसके बाद ये जो डेवलपर है वो ऐड किया मैंने दोनों को अपने हिसाब से, आप लोग भी देख लेना। दोनों की क्वांटिटी जो रनी फॉर्म है वाटर टाइप है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरे की थोड़ी सी कम, तो इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये हो गए दोनों मेरे पास अच्छे से मिक्स, और अब मैं लगाऊँगा इनको अपने बालों पर। तो सबसे पहले मैंने ग्लव्स को ओपन किया, हाथ पे चढ़ा लिया, और देन मैं लगाने जा रहा हूँ अब अपने बालों में। मैं इसी ब्रश के साथ लगा रहा हूँ और मेरा यही लगाने का तरीका, और मुझे इससे बेस्ट तरीका अभी तक नहीं मुझे मिला, सीधी सी बात है, जो मुझे वही कलर। अच्छा, बात कर लेते हैं इस कलर के बारे में, क्योंकि मैं इस कलर को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो मुझे उसके सारे प्रोज़ और कॉन्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने होंगे जो कि लाजमी है। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे बालों को लाइक ड्राई बिल्कुल नहीं करता, मेरे बालों को सिल्की बनाता है। एक मंथ तक तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और प्यारे रहते हैं, और मैं तकरीबन इस कलर को 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। और मैं एक बात और बता दूँ, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ग्रे बाल थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, आई डोंट नो वाई, लेकिन जब से ये कलर शुरू किया मेरे सर में सफ़ेद बाल आपको नहीं लगता कोई नज़र आ रहा होगा, तो मुझे भी नहीं नज़र आता कोई, सभी कहते हैं कि तुम्हारे ग्रे बाल गए किधर। तो शायद ये मैं कलर करता रहता हूँ इसलिए, लेकिन जड़ से जो निकल रहे थे वो भी नहीं अब नज़र आते। मैंने एक आध अपना बाल देखा है,
मतलब ये कलर करने से पहले मेरा ऊपर से बाल ग्रे था, नीचे से ब्लैक था। आई डोंट नो, या मैंने कुछ खाया भी था, डाइट वगैरह भी की ली थी तो मुझे याद नहीं मैंने कौन सी ली थी। यहाँ पे मैं फ़कीर का बच्चा लग रहा हूँ, लेकिन कलर करना था इसलिए लूज सी शर्ट पहनी थी जिससे कलर लगे और शर्ट ख़राब हो जाए तो कोई मसला ना हो। तो अच्छा, इस तरह से मैंने ये देख लो अपने बालों पे ये कलर लगा लिया, साथ में मस्ती किए जा रहा हूँ। अच्छी तरह से बालों को इस कलर से कवर करके मैं बार बार कॉम कर रहा हूँ कि जिन बालों में नहीं लगा वहाँ पे भी कलर इवन हो जाए। तो मेरा ज़्यादा जोर आगे और साइड वाले बालों पे ही है, पीछे के बाल ज़रा मुझे नहीं अच्छे लगते। अच्छा, आज जो मैं शेड यूज़ कर रहा हूँ वो है 61 रेवलॉन, और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये हमें 350 तक ईजिली मार्केट में अवेलेबल होगा। एंड ये अनमोनिया फ्री है आपके बालों को, लाइक ये डैमेज नहीं करता, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट एंड सिल्की रखता है। इसके बाद इसके अंदर का जो हमें कंडीशनर मिलता है ना यार गाइस, मैं उसकी कितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। लाइक हमें मार्केट में वो काश इजीली अवेलेबल होता, और मैंने यूज़ ही वही करना था, ट्रेस्मे को टांग मार के भगा देना था। नहीं, वैसे ये बात नहीं है, आई लव ट्रेस्मे, ट्रेस्मे मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो मैं यही बालों में लगाए जा रहा हूँ। आप लोग बोर हो जाओगे देख देख के, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बातें करनी है, आप लोगों को बहुत चीज़ें शेयर करनी है इस कलर के बारे में। 61 हो गया कलर, और ये कोई ब्लॉन्ड सा कलर है, लेकिन हमारे ब्लैक बाल हैं तो उसके ऊपर ये ब्लॉन्ड सा तो कलर नहीं आएगा। आएगा ज़रूर ब्लॉन्ड सा ही कलर, लेकिन अच्छा इस कलर की खासियत पता है क्या, जब आप कलर लगाते हो एग्जैक्ट जो कलर होता है वो फर्स्ट सेकेंड डे पे शो नहीं होता, वो तकरीबन प्रॉबली हमें 15 से 20 दिन बाद एक कलर हमारे बालों में टोन आती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, बहुत ज़बरदस्त होगी वो। इस वीडियो का पार्ट टू उसको बोलेंगे। अब ये मैंने लगा लिया, अब इसको हमने 30 मिनट तक लगाना है, और ये यहाँ पे 5:32 हुए हैं। तो ये मैंने कलर बालों में लगाया, यू गाइस कैन सी माय हेयर कलर। तो जब बालों को धो लिया तो ये कुछ इस तरह सा कलर लग रहा था, अभी बाल सूखे नहीं थे, मतलब सेमी ड्राई थे, तो बहुत ज़बरदस्त कलर लग रहा था एंड आई वाज सो हैप्पी। तो उसके बाद कोई आधे घंटे बाद जब बाल में ड्राई हुए, एज़ यू गाइस कैन सी कि ये कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, शाइनी है, इनमें जान भी है। जब मैं ये यहाँ से आप देखो बाल माथे से कितने ज़्यादा शाइनी और लाइक बहुत सिल्की मेरे बाल हो गए थे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि जो मैं कलर चाह रहा था, जो मैं चीज़ चाह रहा था वो मेरे बालों में हो गई है घर में ही बगैर इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट किए। उसके बाद अच्छा आज ही अभी मैंने वीडियो बनाई है, यू गाइस कैन सी ये रेडिश से टोन दे रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस ये 15 से 20 दिन बाद ना बहुत प्यारा होने जा रहा है। यहाँ पे गर्मी बहुत थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इसलिए बस जल्दी से मैंने वीडियो बनाई, मुंह भी नहीं धोया हुआ, और कलर में देखो कितना फ़र्क लग रहा है मेरे इस कलर लगाने के बाद।